हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा फूडीज चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की खट्टी मीठी टेस्टी सी चटनी। फ्रेंड्स, मैंने पैन ले लिया है और इमली को मैंने अच्छे से गर्म पानी में भिगो दिया था। उसके बाद अच्छे से मैश करके इसका ये पल्प मैंने तैयार कर लिया। देखिए, ये मैंने इसका पल्प निकाल लिया है। दो तीन बारी मैंने इसे स्ट्रेन किया ताकि इसका सारा का सारा मिट्टी वगैरह जो भी होती है इमली के अंदर नेचुरल, वो सब निकल जाएगी। अब मैं इसके अंदर फूड कलर डाल रही हूँ। फूड कलर हमने डालना है इसमें 1/4 चम्मच। उसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च, कूटी हुई है मेरे घर की, ये मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च, 1/2 चम्मच से भी कम। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा 1 चम्मच भर के। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। आप चाहे तो इसे चीनी से भी बना सकते हैं और आप चाहे तो इसे गुड़ से भी बना सकते हैं। मैं इसे गुड़ से बना रही हूँ आज। तो मैं देखिए, ये मेरी कम से कम 1/2 किलो की अप्रोक्सीमेटली इमली थी। मैं इसमें कम से कम भी 3 पाव के करीब गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ हमने डायरेक्ट ऐसे ही डालना है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1 चम्मच देखिए काला नमक मैंने इसमें डाल दिया अच्छे से। और अब मैं इसमें 1/2 चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्च बस। अब इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए गर्म करना है और ये मेरी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये मेरी खट्टी मीठी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। इसे गोलगप्पे में जो सौंठ बोलते हैं ना, ये वो ही है। मैंने फ्रूट्स नहीं डाले हैं इसमें। आप सारे फ्रूट्स, किशमिश, ग्रेप, बहुत सारे फ्रूट्स भी डाल के इसे बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हम इसे पोहे के साथ खाते हैं, इसलिए मैंने इसे बिल्कुल सिंपल बनाया। वो प्रिजर्व भी नहीं होती है और ये प्रिजर्व हो जाएगी। इसे करीबन आप कम से कम भी 2 महीने के लिए अपने फ्रिज में आराम से बना के रख सकते हैं। कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जिससे खराब हो। तो मेरी रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।